हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिनर्स क्लब में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है CPBL बेसबॉल लीग स्टार्ट हो गई है और इसका एक मुकाबला होने जा रहा है, वो होने जा रहा है RM वर्सेस UL के बीच में। ठीक है दोस्तों, उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों ये कि जो भी यूट्यूबर आपको पेड टीम के बारे में कहते हैं, यानी पैसे से टीम देने की कहते हैं, आप उनकी बात न माने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पूरी टीम का एक अच्छा ओवरव्यू दूंगा और एक अच्छी टीम प्रोवाइड कराऊंगा बिना पैसे के। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, पूरी फ्री में एक अच्छी विनिंग टीम प्रोवाइड कराऊंगा आपको। इसके लिए आपको अपने टेलीग्राम चैनल भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं रैंक की। तो रैंक पॉइंट टेबल की बात करें दोस्तों, RM जो है ये पहले स्थान पर है, ठीक है, और वहीं UL जो है ये चौथे स्थान पर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि RM की चांसेस ज़्यादा है जीतने के, यानी कि हम जो टीम बनाएंगे वो RM के मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रीसेंट परफॉर्मेंस। रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें 5 मैचों की, तो दोस्तों यूनी लॉयंस जो हैं इन्होंने अपने 5 में से 2 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं। जबकि रगोटन मंकीज़ की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने अपने 5 मुकाबले जीते हैं। तो इससे और ये क्लियर हो जाता है कि RM के चांस कितने हैं, कितने परसेंट जीतने के ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर की। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ आउटफील्डर की बात करें दोस्तों, तो सी चेन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, और सी चिंग वेई, एलियंग लुन, ठीक है, और एस चिन चेन, ये तीनों ना कंसिस्टेंसी से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो तीनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए, ठीक है। यदि आप एक से अधिक टीमें बना रहे हो तो इन्हें अलग अलग ट्राई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। नहीं तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर कैसे किस तरह से ट्राई करनी है, आपको सारी वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, और इसमें भी, इस वीडियो में भी बताऊंगा। अब बात करें दोस्तों इनफील्डर्स की, आउटफील्डर्स की बात हुई, इनफील्डर्स में एलई सी चुंग हसी, ठीक है, के फुंग लिन, और पिचर में रहेंगे आपके एल बोना लिया जो हैं दोस्तों, इन्होंने लास्ट मैच जो खेला गया था उसमें 27 पॉइंट दिलाए थे अपनी टीम को। सपोज दैट ये कप्तान होते तो कितने पॉइंट हो जाते दोस्तों हमारे, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एल बोना लिया, ठीक है। अब कैचर की बात करूँ तो बेस्ट कैचर है हमारे लिए एल हुंग यू, कौन होंगे, एल हुंग यू, ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। जैसे ही लाइनअप आएगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे और भी टीमें भेज दूंगा जो कि विनिंग टीमें होंगी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं विनिंग टीम की ओर। अच्छा, ये ओवरव्यू दिया मैंने आपको, अब चलते हैं टीम की ओर। तो ये बनाई है मैंने टीम दोस्तों, देखिए दोस्तों ये बनाई है मैंने टीम। मैंने आउटफील्डर्स में चुना है एस चिन चेन को, ठीक है, और एलियन लुन को चुना है, 3 चुने हैं मैंने आउटफील्ड, और ये चुना है बाई ते लंको, ठीक है दोस्तों। यदि आप एक से अधिक टीमें बना रहे हो तो आप एस चिन चेन की जगह एल एन को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैंने क्रेडिट मेंटेन करने के लिए इसे लिया है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले पे, इनफील्डर्स की बात करें दोस्तों, तो इनफील्डर्स में मैंने 4 प्लेयर को चुना है, सी चेन हसीन, और के येन वेन, एल चिन पिंग, ठीक है, एल तुन चेन, और एक और प्लेयर मैंने चुना है एक, ठीक है दोस्तों, ये 4 प्लेयर चुने मैंने। यदि आप चाहें दोस्तों एक से अधिक टीम बना रहे हो तो आप कर सकते हो कि आप के येन वेन की जगह आप के फुन लिन को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। पिचर की बात करें तो पिचर एल बोना लिया के सिवा मैं किसी को नहीं ले सकता दोस्तों, क्योंकि लास्ट मैच में मैंने बताया इन्होंने 27 पॉइंट लाए अपनी टीम को, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कैचर की, कैचर की बात करें दोस्तों, तो एल चिन फू वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, ठीक है, लास्ट मैच में 17 पॉइंट लाए अपनी टीम को, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे लिए बेस्ट कैचर होने वाले हैं। तो अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों, तो मैंने कैप्टन बनाया एल टी चिंग को, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में अपनी टीम को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 7 पॉइंट दिलाए थे लास्ट मैच में, उससे पहले 38 पॉइंट दिलाए थे, तो ये बहुत पॉइंट है। एल बोना लिया ने तो बताया मैंने आपको लास्ट में 27 पॉइंट दिलाए थे, इसलिए मैंने इनको बनाया कैप्टन वाइस कैप्टन। आप चाहें दोस्तों तो आप के ई एन बेन को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और बता दे रहा हूँ, जैसे ही लाइनअप आएगा मैं आपको वहाँ पर और टीमें प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना होगा विनर्स क्लब, यहाँ पर टाइप करना होगा आपका विनर्स क्लब ड्रीम 11, तो ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको टीम प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे दोस्तों, धन्यवाद।